डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे FSSAI के संरचना और कार्य की, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में FSSAI ने बाजरे के लिए व्यापक समूह मानक निर्दिष्ट किए हैं। चलिए जानते हैं FSSAI के बारे में। इसका पूरा नाम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसे हिंदी में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के रूप में जानते हैं। ये खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 यानी FSS अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। FSS अधिनियम 2006 ने विभिन्न अधिनियमों और आदेशों को समेकित किया जो पहले विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में खाद्य संबंधी मुद्दों को संभालते थे। आपको बता दें, FSSAI का नोडल मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए अब समझते हैं FSSAI की संरचना को। FSSAI में एक अध्यक्ष और 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक तिहाई महिलाएं होती हैं। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इसे मानक स्थापित करने में वैज्ञानिक समितियों और प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय में केंद्रीय सलाहकार समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। और आखिर में बात FSSAI के कार्यों की। FSSAI के कार्यों को देखें तो इसमें शामिल है खाद्य सुरक्षा के मानकों और दिशा निर्देशों को निर्धारित करने के लिए नियमों का निर्धारण करना, FSSAI खाद्य सुरक्षा लाइसेंस और खाद्य व्यवसायों के लिए प्रमाणन प्रदान करना, खाद्य व्यवसायों में प्रयोगशालाओं के लिए प्रक्रिया और दिशा निर्देश निर्धारित करना, नीतियों के निर्धारण में सरकार को सुझाव देना, खाद्य उत्पादों में उभरते जोखिमों की पहचान करना और एक त्वरित चेतावनी प्रणाली की शुरुआत करना, खाद्य सुरक्षा के बारे में देश भर में एक सूचना नेटवर्क बनाना और खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानकों के बारे में सामान्य जागरूकता को बढ़ावा देना। चलिए, वक्त हो चला है आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो अभ्यास प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, यह एक वैधानिक निकाय है। कथन दो है, इसकी स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी। कथन तीन है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या फिर है आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी केवल एक और तीन, या फिर ऑप्शन डी एक दो और तीन। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।